नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉरर मीनिया पे। आज की कहानी दिल्ली के ही एक कॉलेज कैंपस से जुड़ी सच्ची भूतिया घटना के ऊपर आधारित है। मानो या न मानो, लेकिन इस कैंपस से मुझे भूत प्रेत होने के कई सारे किस्से सुनने को मिल रहे हैं। ऐसी ही एक घटना के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। कॉलेज हॉस्टल के रूम नंबर 95 में सिद्धार्थ नाम का एक स्टूडेंट रहता था। एक रात जब सिद्धार्थ सो रहा था तो उसे अपने रूम से बड़ी ही भयानक और मिस्टीरियस सी आवाजें आने लगी, जिसकी वजह से सिद्धार्थ की नींद खुल जाती है। जागने के बाद जब वो अपने आजू बाजू में देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। इस चीज को महज एक सपना मान के सिद्धार्थ दोबारा से सो जाता है। इस घटना के थोड़ी ही देर बाद जब सिद्धार्थ को दोबारा से नींद लग जाती है तो फिर से एक बार उसे अपने रूम में किसी के होने का एहसास होता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके बेड के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और चक्कर लगाने के बाद उसके बेड के सामने वाली कुर्सी पे बैठ जा रहा है। अब सिद्धार्थ पूरी तरह से समझ चुका था कि यह सब घटनाएं जो भी घट रही हैं कोई सपना नहीं है, बल्कि उसके साथ हकीकत में ही यह सब हो रहा है। वह बुरी तरह से डर जाता है और जैसे तैसे बालाजी का नाम लेके अपने रूम की लाइट्स ऑन करता है। फिर वो तुरंत अपने रूम को खाली करके अपने दोस्त के पास चले जाता है और उसे इन सब घटनाओं के बारे में बता देता है। तब सिद्धार्थ का दोस्त उसे बताता है कि उसने भी इस रूम के बारे में कई सारे अजीबोगरीब किस्से सुने थे। वो बताता है कि 9 साल पहले वैभव नाम का एक स्टूडेंट इसी कैंपस के रूम नंबर 95 में रहता था, लेकिन सेमेस्टर का रिजल्ट अच्छा ना होने की वजह से वो एक दिन डिप्रेशन में चला गया था और इसी डिप्रेशन के चलते वो उसी रूम नंबर 95 में एक रात को पंखे से लटक कर सुसाइड कमिट कर लेता है। तब से लेकर आज तक 7 स्टूडेंट ने उस रूम को यह कहकर छोड़ दिया था कि इस रूम में उन्हें किसी और की भी प्रेजेंस फील होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही हॉरर स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।